हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो 7th चैप्टर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने वहां पर आपको बताया हुआ है और उसमें मैंने फॉर्मूला डिस्कशन किया था। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ना होता है, इसका ब्रीफली मैं अगर कहूँ होता क्या है। परमिटेशन में आपको अरेंजमेंट्स करने होते हैं और कॉम्बिनेशन में आपको कुछ पेयरिंग या फिर आपको सिलेक्शन करना होता है बेसिकली। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियरली आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा जो इसमें रहता है क्वेश्चन वो ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कब परमिटेशन यूज़ करना है कब कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो आगे की बात करते हैं, मैं एक्सरसाइज 7.1 आपको आज करा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो वैसे तो इसके बाद परमिटेशन स्टार्ट हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप मेरी बात समझना, बड़े ध्यान से समझना। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको कि परमिटेशन कैसे होता है कॉम्बिनेशन कैसे होता है। एक फटाफट मैं कुछ बातें फटाफट कर लेता हूँ। परमिटेशन को हमने पढ़ना है अभी कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर मिसलिनियस करेंगे ताकि पता चल जाए कि कहाँ पर हम कुछ भी लगा सकेंगे। हम ध्यान नहीं रखेंगे कि परमिटेशन का ही क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का ही। जो बोलेंगे क्वेश्चन में उसे समझेंगे, अपने हिसाब से डिकोड करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। परमिटेशन बेसिकली होता है एक तरह का अरेंजमेंट, मैंने पहले भी बताया। अरेंजमेंट का मतलब ऐसे कुछ कि जैसे आपको अगर कभी अरेंज करना हो चीज़ों को। अरेंज का मतलब कैसे समझेंगे, जैसे मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की 3 चीज़ें हैं। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, क्लास 12th में भी ये मैंने ऐसे ही बताया था, वहाँ पर यूज़ होता है इसलिए बताया था आपको। जैसे एक फादर है, एक मदर है और एक सन है, ये तीनों कोई फोटो, इनकी फैमिली फ़ोटो ली जा रही है, तो इनको अब खड़े होना है। तो कितने पॉसिबल तरीके हैं इनके खड़े होने के। हो सकता है इस कॉर्नर में हमारी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में सन हो, मिडल में फादर हो या यहाँ मदर हो, या फिर ये हो सकता है कि फादर यहाँ हो, सन यहाँ हो, मदर यहाँ हो। ऐसे करके कितने तरीके हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आपके पास तरीके हैं कि इनकी फ़ोटो उस हिसाब से आ सकती है। ये अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट ही तो कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये परमिटेशन का क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। परमिटेशन बनाइए, परमिटेशन वाला अरेंजमेंट। तो अगर आपको मैं बोल दूँ करने के लिए, आप बहुत सारे कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि चलिए एक तो हमने ये कर दिया, फिर आप बोलेंगे हो सकता है ऐसे सिचुएशन हो, ये तो मैंने कर लिया। हो सकता है आप बोलें कि ये सिचुएशन हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है आप बोलें कि ये सिचुएशन हो जाए, और हो सकता है आप बोलें कि ये सिचुएशन हो जाए। मैंने कुछ लॉजिक को ध्यान में रखकर ये लिखे हैं, फटाफट मैंने लिखे, कोई लॉजिक ऐसे ही अभी बताया, वरना आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर आप ऐसे लिखना चाहते तो फादर को एक बार मिडिल में रखेंगे तो इधर साइड्स पर, या इस साइड सन आ सकता है या इस साइड मदर भी आ सकती है, और उस साइड मदर भी आ सकती है सन भी, तो दो पॉसिबल तरीके होंगे। ऐसे बीच में एक बार मैंने मदर को रख दिया तो दोनों इधर साइड्स पर सन फादर आ सकते हैं। ऐसे एक बार सन को दोनों तरफ रख दिया तो इधर साइड बीच में रख दिया तो इधर साइड्स पर मदर फादर आ सकते हैं। यही 6 पॉसिबल तरीके। लेकिन स्टूडेंट तब क्या करोगे जब आपके पास ये बहुत बल्क लेवल पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, यानी 3 ही जने ना, हो सकता है 50 जने हो वहाँ पर, हो सकता है 100 हो। तो आप उस समय, अभी तो हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाकर हिसाब किताब कर लिया, लेकिन ये हर समय इतना सिंपल नहीं होता। तो मैथ्स हमारी हेल्प करती है, इसी को सिंपली आप बताएंगे कर सकते थे। आप देखते कि कितने जने, 3 जने, 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, कितनों को अरेंज करना है, 3 के 3 को अरेंज करना है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक के लिए हमने कंडीशन रख दी कि इन्हें बीच ही में रहना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना हमने। हमने बोला तीनों को कहीं भी उठा के बैठा सकते हो आप। तो इसका मतलब 3 में से हमने, क्योंकि 3 को अरेंज करना है, अरेंज कर स्टूडेंट्स फॉर पी, ये परमिटेशन 3P3 करेंगे आप। और मैंने बताया आपको कि NPR का फॉर्मूला ऐसे ओपन होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, isn't it? ये कंपेयर करोगे उससे तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 3 0 होता है। 0 फैक्टोरियल का आंसर मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 होता है, और ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी कि 6 इसका आंसर आया, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप देखेंगे 6 मेथड है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप इसे ऐसे समझते हो कि उससे क्वेश्चन एग्जाम के बिहार पर मज़ा नहीं आएगा। एग्जाम के लिए पढ़ने वाली बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है, मज़ा आ जाएगा इससे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका परमिटेशन, समझ में आई आपको बात, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस करी है आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके रिगार्डिंग मैंने बोली है। ये 3P3 को सिर्फ फॉर्मूले से आंसर निकालना ये अच्छी बात नहीं होती, इसको समझना कि 3 में से 3 को अरेंज किया। मैं आपसे पूछूं 3 में से 0 को अरेंज करोगे कितने तरीके हैं, मैं आपसे पूछता हूं 3 में से 1 को अरेंज करोगे कितने तरीके, फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फील आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, और एक बार खुद ट्राई करके देखना। मैंने फॉर्मूला डिस्कशन में बताई है बातें, फिलहाल तो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ एक्सरसाइज के। ये मैंने छोटी सी बात आपको समझाई, समझिए ना कि ये नंबर ऑफ मेथड्स को बता रहे हैं कि आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल का मतलब तो समझते हो ना, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करना होता है अप टू 1 तक, ठीक है। तो इसने कहा कि 6 मेथड ऐसे, यार हमने देखा हाँ 6 मेथड, यानी फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, और ये हमेशा ट्रू रहता है, ऐसा नहीं कि अभी के लिए ट्रू हो गया, हमेशा का इसका, ठीक है ना। चलिए आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़े आराम से ध्यान से सुनना, इसके बराबर मज़ेदार चैप्टर मिल नहीं पाएगा वो कहीं, ठीक है।
मजा आ जाएगा, इतनी अच्छी चीजें हैं। मैं एक को सोच रहा हूँ तो दूसरा याद आ जा रहा है कि अरे वो तो इससे भी अच्छा है, स्ट्रेट लाइन तो उससे भी अच्छा है। फिर मतलब अब कोई है ही नहीं एक से कम एक, ठीक है ना, सब अच्छे हैं एक दूसरे से। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड एंड सेकेंड कंडीशन इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास नंबर्स हैं, जैसे पहले टेलीफोन नंबर होते थे ना, और 3 डिजिट नंबर बना लें। तो जैसे आप इसको सबसे पहले ऐसे समझ सकते हैं, परम्यूटेशन से भी होगा, लेकिन ना समझने वाली बात है कि कहाँ हमें ईजीनेस पड़ रही है, हम जहाँ ईज होगा वहाँ जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाने, तो मैंने पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की, अच्छा 3 डिजिट नंबर बनाने यानी कुछ भी नंबर यहाँ पर फिट होगा। 129 होगा, नहीं हो सकता क्योंकि 9 को यूज़ नहीं करना, 1, 2, 4, 3, 4, 5 को यूज़ करके आपको एक नंबर बनाना है। आप 345 कह सकते हो, आप 234 कह सकते हो, आप 135 कह सकते हो, लेकिन बनेगा इन्हीं से मिलकर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इसे करते हैं, और इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी गई है, रिपीटेशन इज अलाउड, है ना, रिपीटेशन इज अलाउड है कि नॉट अलाउड है, सॉरी एक बार देख लो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, है ना, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यानी अलाउड वाली कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन देख लेंगे, यानी मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर ना आप कितने तरीकों से इसे फिल कर सकते हो। अच्छा मैं आपको पहले वो फादर मदर वाला क्वेश्चन भी एक बार करके दिखाता हूँ इसी तरीके से, तो आपको समझ में आएगा शायद। जैसे फादर मदर सन है, मान लिया इनको 3 जगहों पर खड़े होना है तरीके से जाकर, तो कितने तरीके हैं कि ये खड़े हो सकते हैं, तभी मैंने आपको बताया 6 इसका आंसर है। अब दूसरे तरीके से समझ लो इसे, अच्छा ये तीनों थे एक एक करके आ रहे हैं लाइन, जो पहले नंबर पर 3 जने एक के पीछे एक है रो में, तो जो फर्स्ट आए जो भी हों, हमें नहीं पता फादर मदर सन जो भी होंगे, वो आए और वो तीनों में से, क्योंकि अभी तीनों खाली हैं तो उनको चूज करने के 3 मौके हैं, इसका मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि किसी एक कमरे को भरने के 3 मेथड आपके पास हैं, यानी कि किसी एक सीट में बैठने के 3 मेथड है। हो सकता है इस सीट में फादर बैठ जाए, हो सकता है इस सीट में मदर बैठ जाए, या हो सकता है सीट में सन बैठ जाए, क्योंकि अभी ये सीट खाली है। अगर यहाँ फादर बैठ गए होते तो अब यहाँ कोई और नहीं बैठ सकता ना, फिर इसका मतलब इसको फिल करने के 3 मेथड्स आपके पास हैं। अंदर इसलिए नहीं लिख रहा कि अंदर मैं उनको लिखूंगा जो फिल हो चुका होगा ऐसे टाइप से, जैसे फादर है तो फादर को लिख दूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता कौन है तो फादर और मदर और सन ऑप्शन में कोई भी है। अच्छा अगर मैं अभी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अगर कह दिया कि एक कमरे में एक ही रहेगा, अगर बेसिकली ये सीट है तो एक सीट में एक ही बैठेगा, तो उस समय अब जो भी 2 बच्चे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक तो पक्का यहाँ बैठ चुका है, अब वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, सन भी हो सकते हैं, उसके 3 मेथड हैं। अभी जो भी नेक्स्ट पर्सन आएगा, है ना, अब वो हो सकता है फादर सन हो बचे हुए, या हो सकता है मदर सन हो, या हो सकता है सन मदर हो, मतलब सन फादर हो, कुछ भी, वो 2 का पेयर को एक बचा हुआ है। अब उन दोनों में से इस सीट को फिल करने के अब उनके पास 2 तरीके हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जो एक बैठ गया वो तो ठीक है, उसके अलावा जो 2 बचे उनमें से कोई एक यहाँ बैठ सकता है, इसका मतलब 2 मेथड्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फिल हो चुका है, ये भी फिल हो चुका है, तीसरी सीट बची और पर्सन भी तो एक अकेला बचा, तो उसको यहाँ बैठने के सिर्फ एक ही तरीका है, उसको यहीं बैठना पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप मेरी बात समझे तो है ना, समझे तो है, मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि ये 3, 2, 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 जने यहाँ के बैठ गए, नहीं, इसका मतलब है कि कितने मेथड से इस सीट को फिल किया जा सकता है, 3 मेथड से, फादर मदर सन कोई भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब एक बार यहाँ कोई बैठ गया तो अब उनके अब जो बाकी बच्चे हैं वो 2 ही जने बचे हुए, क्योंकि एक कोई बैठ चुका है, और इस सीट को ऑक्यूपाई करने के उनके पास 2 मेथड है। हमें नहीं पता कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ फादर बैठ गए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट से, अब मदर और सन जो है ना वो इस सीट में मदर भी बैठ सकती है या सन भी बैठ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, यानी कि ये 2 मेथड सकता है। यानी अगर मैं मान लेता हूँ मदर भी यहाँ बैठ गई है, तो अब इस सीट में बैठने का कोई ऐसा है नहीं कि ऑप्शन, सन के पास कोई चारा ही नहीं है, उन्हें यहाँ बैठना पड़ेगा सिर्फ, बस ये, ठीक है। तो ये तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हुआ, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, वो सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं जो 6 मैंने लिखे थे, ये बात है, तो ऐसे समझा जाएगा। और इसको वैसे इसके भी यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये भी ये भी ये भी तीनों प्रोसेस होने चाहिए, यानी कि ये 2 तभी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात, गहरी बात है, ये 2 और ये 1 तभी हो पा रहा है जब ये 3 था, यानी मेरी बात सुने ध्यान से, एक बार रिपीट करता हूँ, ये 2 कब हो पाया
जब ये 3 था, यानी मेरा कहने का मतलब ये कि इसका 2 होना ना इस पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये 2 इसलिए हो पा रहा है ना क्योंकि इसको पता है कि एक बंदा बैठ चुका है, एक पर्सन बैठ चुका है यहाँ पर, तो अब बचे 2 ही पर्सन है, इसलिए 2। इसका आंसर 1 क्यों हुआ? क्योंकि इसे पता है कि यहाँ 2 बैठ चुके हैं, अब मतलब 2 सीटें फिल हो चुकी हैं, तो अब तीसरे के लिए एक ही मेथड बचाइए। यानी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब जाकर पूरा प्रोसेस हो पाएगा कि तीनों में एक एक पर्सन बैठा हुआ है। तो क्योंकि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहीं पर आती है जहाँ पर बातें कंपलसरी हो जाती हैं, यानी कि सबका होना जरूरी होता है, यानी एक दूसरे से सबकी डिपेंडेंसी होती है, उस जगह पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, 6 इसका आंसर ऐसे दिया है। अगर ये ऑप्शन की कंडीशन होती तो ये प्लस हो जाते। ऑप्शन मतलब कि ये कि इसके यहाँ बैठने से बाकी ऊपर असर नहीं पड़ रहा, आप देख रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि इसके 3 मेथड और इसके 2 मेथड दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके 2 मेथड तभी तो आप बोल पाए जब डिपेंडेंसी रही 3 के साथ, ठीक है। हाँ चलो अभी मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है क्योंकि एक चेयर में एक ही बैठेगा, लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए जैसी यहाँ पर है, समझना आप समझना, ठीक है ना, आराम से समझना कि ये 3-2-1 हो रहा है, कब ये 3-3-3 भी हो सकता है, समझ लो आराम से। मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको, लेकिन ये बहुत जरूरी है उसके लिए, सुन लो जरा, फिर आप खुद भी कर लोगे, लेकिन मैं कराऊंगा। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि ना रिपीटेशन मतलब जो अगर एक नंबर यहाँ आ चुका है तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं आ सकता, जैसे यहाँ की कंडीशन थी, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं था क्योंकि आज प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, ये कोई बोलेगा नहीं आपको स्पेशली, क्योंकि अपना कॉमन सेंस है कि अगर एक एक चेयर रखी हुई है तो एक चेयर में एक ही पर्सन बैठेगा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ स्पेशली कोई बोलेगा नहीं आपको रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, यहाँ पर बोला गया क्योंकि नंबर्स हैं, हो सकता है कोई बोल दे मैंने एक नंबर 111 रख दिया। अगर रिपीटेशन डज नॉट अलाउड होता या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होता तो उस समय स्टूडेंट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के केस में आप कभी भी आंसर नहीं बोल पाते क्योंकि ये 111 कभी भी बना नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, 1 एक बार आ गया था और वो एक और बार आ गया। लेकिन क्योंकि कंडीशन ऐसी है रिपीटेशन इज अलाउड की, तो ये पॉसिबल नंबर है, ये नंबर को ये मानेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम उसको उसी तरीके से करें जैसे वो कर रहे थे, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर कितने 1, 2, 3, 4, 5 कितने मेथड से इस बॉक्स को फिल किया जा सकता है, तो 5 मेथड से इस बॉक्स को फिल किया जा सकता है। ध्यान रखें ये 5 मेरा इस 5 से मतलब नहीं है, मेरा 1, 2, 3, 4, 5 की काउंटिंग से मतलब है, ठीक है ना। जब मैं यहाँ अंदर कुछ 5 लिखता हूँ तो उसका मतलब माना जाएगा कि 5 पक्का है यहाँ पर रखा हुआ, ये नंबर ऑफ मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ी समझने वाली बात है, अगर आप इस पर गौर नहीं करते तो फिर आप बार बार कन्फ्यूज होंगे। ये नंबर ऑफ मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, यानी इसको फिल करने के 5 तरीके हैं। सिमिलरली अब ये फिल हो चुका है, ये वाला फिल हो चुका है कुछ किसी भी नंबर से, इधर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 कुछ भी यहाँ पर रखा हुआ, लेकिन रिपीटेशन इज अलाउड, यानी जो यहाँ आ चुका है तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं थोड़ी देर के लिए सपोज करा, मेरी बात ध्यान से सुन रहे, सपोज करा मैंने कि 2 यहाँ आ गया, इनमें से 2 मैंने यहाँ रख दिया, तो क्या 2 यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और 1, 2, 3, 4 तो आ ही सकते थे, ये बाकी तो आ ही सकते हैं, 2 भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है। तो इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके भी 5 ही है, यानी फ्रेश है बिल्कुल, जैसा ये फ्रेश था वैसे ये बॉक्स भी फ्रेश है, जो यहाँ आ गया वो भी आगे आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। ऐसे ही तीसरे बॉक्स को फिल करने के भी आपके पास 5 ही मेथड्स हैं, क्योंकि तीसरी जगह पर भी 5 के 5 में से कोई भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले आ गया या नहीं। अब क्योंकि तीनों को होना जरूरी है, क्योंकि तीनों बॉक्सेस भरना जरूरी है, मतलब 3-डिजिट नंबर बनाना जरूरी है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आपके पास 5 × 5 × 5 दैट मीन्स 525। छोटी सी बात, ठीक है, यही होता है, बहुत मजेदार होता है लेकिन ये क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जरा ध्यान से सुन लेंगे, जरा वही बॉक्सेस हैं जैसे फिर से। अब किसी ने बोला कि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है का मतलब ये हुआ कि पहले वाले बॉक्स को फिल करना है मुझे और मेरे पास यही नंबर्स हैं इनपुट में, इन्हीं को डाल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई ये 5 मेथड से फिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 1 भी आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी एक आएगा, आ गया। अच्छा, मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने बोला कि बाई चांस मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि यहाँ पर 3 आ गया था, थोड़ी देर के लिए माना मैंने 3 आ गया था, अब अगला 3 यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर यहाँ 2 आ गया था तो अगला 2 यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर 4 आ गया था तो 4 नहीं आ सकता। 5 आ गया था तो 5 नहीं आ सकता। मतलब जो भी यहाँ एक बार आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। और क्योंकि ये बॉक्स फिल हो चुका है किसी ना किसी एक नंबर से,
तो इसका मतलब पांच में से एक नंबर बिजी हो गया। अब आपके पास बचे चार ही नंबर हैं जिनसे आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हो, इसलिए अब ये बॉक्स भी फिल्ड है, ये बॉक्स भी फिल्ड है, और तय है कि दोनों में फिल किए गए नंबर अलग अलग हैं। हम नहीं जानते वो क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो दो यहाँ आ चुके हैं वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, यानी पांच में से दो बिजी हो चुके हैं। अब तीन ही मेथड से इसे फिल किया जा सकता है, और अगेन ये भी क्योंकि मल्टीप्लाई थ्योरम लगेगी, क्योंकि तीनों बॉक्सेस को फिल करना जरूरी है। 5, 4, 20, 3, 60 मेथड ऐसे। अगर आप करने पर आओगे ना, एक एक करके नंबर बनाने लगोगे, ऐसे इतने ही बनेंगे। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो बनते हैं ना, हम देखते हैं कि इतने सारे नंबर बना दिए, उन्हें पता है कि कितने कॉम्बिनेशन तैयार हो सकते हैं, कितने परम्यूटेशन तैयार हो सकते हैं इससे, ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 60 से एक ज़्यादा एक कम नहीं हो सकता। इससे 1, 2, 3, 4, 5 को यूज़ कर और रिपीटेशन की कंडीशन में, नॉट रिपीटेशन की कंडीशन में आपको 60 से ज़्यादा एक नंबर नहीं मिल पाएगा, एक भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा, और नहीं आपको यहाँ पर 125 से ज़्यादा मिल पाएगा। ठीक है, ये है छोटी सी बात, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तो आप खुद ही ट्राई करेंगे, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन तो आप ही कर देंगे एक्सरसाइज के, लेकिन मैं फिर करा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया सा हो ये, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से सुनते हुए रहते हैं ना, देखेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। जरा ध्यान से पढ़ा करो इन्हें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना लिख के 1, 2, 3, 4, 6 लिख देते हैं, हमारी आदत रहती है काउंटिंग को करने की, तो हम 5 भी इंक्लूड कर देते हैं। अभी मैंने ध्यान से देखा 5, 6 भी है लिखा हुआ है, एंड इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, ठीक है ना, डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ऐसा बोला गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कंडीशन है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। थ्री डिजिट नंबर बनाना है, अपने आराम से थ्री बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब क्योंकि इवन नंबर है ना, इवन नंबर, थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज नंबर्स इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये कंडीशन। तो स्टूडेंट मुझे बताना, इवन नंबर को कैसे पहचानते हो आप? ये 124 एक इवन नंबर है, यस एब्सोल्युटली इवन नंबर है। क्या 223 इवन नंबर है? नहीं, इवन नंबर नहीं, यानी इवन नंबर का पता हमें उसके वंस के प्लेस से लगता है। और अगर डिजिट्स में बात करें तो वंस का प्लेस डेफिनेटली ये है। इसका मतलब यहाँ पर पक्का तय है कि क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं डाल सकते आप। यहाँ पर आप सिर्फ या तो 2 डाल पाओगे, या 4 डाल पाओगे, या 6 डाल पाओगे, क्योंकि इवन नंबर कंस्टिट्यूट यही तीन नंबर्स करवा सकते हैं। यानी अगर नंबर को इवन होना है तो यहाँ 2, 4, 6 में से कोई एक आएगा। ध्यान रखें, ये और लिख रहा हूँ सबके बीच में, आप ये मत समझना तीनों आ गए, आना एक ही है किसी को। मेरा कहने का इन शॉर्ट में मतलब था कि थ्री मेथड्स से इस बॉक्स को फिल किया जा सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो तीन बॉक्सेस है, और बोला था डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी अगर यहाँ 2 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 यहाँ भी आ जाए, 4 यहाँ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो आप मुझे सीधे सीधे बताएं कितने नंबर्स थे, 6 नंबर थे, इसको फिल करने के सीधे सीधे 6 मेथड हो गए, क्योंकि जो पीछे आया होगा, अगर रिपीटेशन अगर बोला होता ना कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो उस समय स्टूडेंट्स आप क्या करते, उस समय आप यहाँ 5 लिखना पड़ता आपको, क्योंकि उस समय एक नंबर यहाँ फिट हो चुका था, फिर 5 नंबरों में से ही आपको यहाँ पर कोई एक नंबर रखना होता, क्योंकि 6 में से एक फिट हो चुका था। अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, अभी तो साफ साफ बोला गया कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी जो नंबर यहाँ आ गया हमें पता है पक्का इवन नंबर आया 2, 4, 6 में से, वो दोबारा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 मेथड है इसको फिल करने के, फिर से इसको भी अगेन 6 ही मेथड है फिल करने के, और क्योंकि तीनों को होना जरूरी है, क्योंकि तभी आपका कंप्लीट नंबर बन पाएगा, तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई करा देना सही रहेगा। 6, 6, 36, 3, 18, 1, 1, 8, 1, 0, 8, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा ही होता है बस, और क्या, ठीक है ना। ठीक है, अभी लिखा हुआ है हाउ मैनी 4 लेटर्स, और इसको कोई दूसरे तरीके से भी कर सकता है, एक मेरी बात सुन ले, कोई ऐसा भी कर सकता है ना कि पहले ना 3 डिजिट नंबर ही निकाल लें इनसे मिलकर बनने वाले, और नहीं नहीं चलो अभी फिलहाल ऐसे ही करो, इस ऐसे ही करो, खाली कंफ्यूज हो जाओ। देखो थर्ड क्वेश्चन देख लो, हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक ही है वैसे। हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है।
आपको बोला गया कि हाउ मेनी फोर लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि फोर लेटर का आपको एक वर्ड बनाना है, इस तरह का फोर लेटर कोड टाइप का बनाना है आपको, 1 2 3 4 चार वर्ड से मिलके बना हुआ, जैसे वर्क हो गया W O R के टाइप का। तो लेकिन ये यूज करना है आपको शुरुआत के जो 10 अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी करके जो 10 तक जाते हैं वहां तक। और बोला गया इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ये कंडीशन आपके सामने है। फोर लेटर हमें वर्ड बनाना है यूजिंग द अल्फाबेट्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो ए टू द 10th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ये हमें करना है। मुझे बताइए, अरे यहाँ पर स्पेशली बोला गया कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अगर ए एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ठीक है ना, कोई भी ऐसा कोई जो फोर लेटर वर्ड होगा हमें बनाना है, जैसे कुछ ए बी सी डी करके ये जो 10 तक होंगे डिजिट्स आप कर लेना वहाँ तक, उनका यूज़ करके बनाना है। लेकिन लेकिन वर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, जो एक वर्ड आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे बॉल हो गया, अब बॉल तो नहीं लेंगे क्योंकि एल तो बहुत दूर रहता है ना, एल एल तो नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ एक अच्छा सा वर्ड होगा। तो मुझे बताइए इसे फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर्स हैं इसे फिल करने के, ऑब्वियसली 10 तरीके हैं। अब इसको आप 9 तरीकों से फिल कर सकते हो, इसे 8 से, इसे 7 से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि रिपीटेशन बोला गया नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी जो यहाँ एक बार फिल हो गया वो यहाँ नहीं हो सकता। तो 10 में से एक यहाँ फिल हो चुका है, 9 बजे 9 में से एक यहाँ फिल हो चुका है, अब 8 बचेंगे यहाँ फिल करने के। अब 8 में से यहाँ 7 फिल करने के, 7 को करोगे नहीं फिल आप, 7 में से कोई एक करोगे ना। मेथड नंबर, ये नंबर ऑफ मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 87 जा 56 और ये हो गया आपका 90 into 56। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए आप? ठीक है ना, इजी है, लेकिन यही है जो कुछ है। ठीक है, और इसके आगे तो मजा आ जाने वाला है। ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो पता चल जाएगा कितना अच्छा चैप्टर होता है, और ये आगे आपकी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। ठीक है ना, आगे की जो क्लासेस होती हैं क्लास 12th में भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। देखना स्टूडेंट, फोर्थ, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। यानी कि आपको एक वो बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है। ठीक है ना, तो आपने बोला 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है, बाय यूजिंग द फर्स्ट सॉरी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। यानी आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड है, सीधी सी बात है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक बात। दूसरी बात कि द नंबर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 67, यानी कि यहाँ मैंने 67 ये इसलिए रखा, नीचे नहीं रखा, क्योंकि नीचे वालों को तो मैं नंबर ऑफ मेथड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पक्का हो चुका है कि ये नहीं कहना चाह रहा कि 6 मेथड इसको फिल करने की, ये कहना चाह रहा है कि 6 फिल हो चुका है, पक्का 6 है यहाँ। लेटर आपके पास नंबर बनाते किससे हो, 0 से लेकर 9 तक, उन्होंने खुद भी बोला है, वैसे अपना भी कॉमन सेंस होता है लेकिन इन्होंने बोल दिया स्पेशली 0 से 9 तक से यूज़ करके बनाना। ठीक है ना, ऐसे करके 0 भी रख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी रख सकते हो आप। और इन्होंने 67 रख दिया जानबूझ के, क्योंकि आपको आपने भी देखा होगा कि कोई फ़ोन नंबर होते हैं तो 0 अक्सर होके आगे नहीं लगता, या तो ऐसा कह सकते थे कि 0 मत लगाना, या फिर जैसे आप देखते हैं कोई BSNL या कोई भी आपका सिम होता है कुछ होता है तो उनकी पहले एक पहचान थी ना पोर्टेबिलिटी से पहले, कि किसी के आगे 94 लगता है, किसी के आगे 79 लगता है, वैसे इसके आगे 67 पक्का लगना चाहिए। हुई खत्म बात। 0 से 9 तक कितने डिजिट्स हुए? यस सही कहा आपने, 10। ठीक है ना, गलती मत करना कहीं, 9 मत कहना, तो 10 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है। ये दो तो फील्ड है, और क्योंकि इसने बोला कि नो मोर देन 1 डिजिट कैन बी अलाउड कैन बी रिपीटेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 तो एक बार आ चुका है तो नहीं आएगा, 7 आ चुका है तो नहीं आएगा, यानी 2 डिजिट्स आ चुकी हैं आपकी पहले से ही 0 से 9 के बीच में, तो ये दोबारा नहीं आ सकती यहाँ पर। इसका मतलब 10 में से 2 डिजिट आ चुकी है, तो अब बची आपके पास सिर्फ 8 डिजिट जिससे इस बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं। सिमिलरली इसको आप 7 से ही फिल कर सकते हैं, और इसको आप 6 डिजिट से ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी डिजिट्स जो थी 8 से पहले की 2 डिजिट्स वो एक्चुअली आ चुकी है, यानी कि क्योंकि 3 पूरा कंप्लीट नंबर बनना जरूरी है। 7 6 42 8 जा कितना होता है 336। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आप देख भी लेना एक मिनट। हाँ ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, और क्या बोला था इसमें इन्होंने? बस इतना ही था क्या? हाँ इतना ही था ये, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आराम से समझोगे, सारे क्वेश्चन सिंपल है, कुछ है भी नहीं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कॉइन को आपने 3 टॉस किया, मुझे बताइए जब कॉइन को आप 3 टॉस करेंगे ना तो आपके पास क्या क्या आ सकते हैं? आपके पास हेड टेल टाइप आ सकता है पहली बारी में, है ना, दूसरी बारी में भी हेड टेल टाइप का कुछ आ सकता है, तीसरी बारी में भी हेड टेल टाइप का कुछ आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हेड पहले आएगा टेल पहले आएगा, लेकिन जब आप एक कॉइन को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितने होंगे? यस, आपने 8 कहा, सही कहा आपने, क्योंकि आपने अगर थोड़ा 10th में ही पढ़ा होगा कि एक कॉइन को 3 उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, आप थोड़ा बाद में पढ़ भी लोगे प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस जैसा कुछ होता है, एक हेड 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 टाइप का। वैसे आप वैसे भी समझ सकते हो यहाँ से कि जब आप पहली बारी में उछालोगे तो कॉइन को तो 2 आ सकती है, इधर हेड और टेल, दूसरी बारी में उछालोगे फिर 2 आ सकती है, क्योंकि ये इसमें डिपेंड तो नहीं करती पहले वाले इवेंट पर, वो अगर पहले हेड आ गया तो दूसरी बारी में भी हेड टेल में से कोई एक आने के चांस है पूरे पूरे, तीसरी बारी में भी हेड टेल में से कुछ एक आने के चांस है, क्योंकि तीनों को होना है कंपलसरी, क्योंकि इन्होंने हमसे कंप्लीट 3 उसमें पूछा है कि 3 में क्या इवेंट हुआ होगा, कितने आउटकम्स आए होंगे, तो कितना हो गया 8। अब ऐसे जो स्टूडेंट समझते होंगे वो समझ गए होंगे कि ऐसे हो सकता है कि हेड 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 टाइप का, हेड टेल टाइप का, ठीक है ना, ये 8 बना दोगे, लेकिन मैं नहीं बना रहा, उसकी जरूरत नहीं है अभी, समझ गए बात को? तो नॉर्मल चीज़ है नहीं, क्योंकि पहली बारी में टॉस करोगे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, यानी कि पहले अगर आप बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर दो उन इवेंट्स को, तो पहले बॉक्स को फिल करने के 2 तरीके हैं, इधर फ्रॉम हेड और टेल, ऐसे दूसरे में हेड टेल, तीसरे में भी हेड टेल, और तीनों का होना जरूरी है।